हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष रूडी, टीम सीएलसी। आज गुरु नीति में अपने इनऑर्गेनिक का पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना कंसेप्ट वही रहेगा, अपने पीरियडिक टेबल में से कुछ क्वेश्चन से यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, जिनसे ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसी सीरीज में पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट पी और क्यू। दो एलिमेंट दिए हैं आपको, पी और क्यू, ठीक है। उसका पूरे इंट्रोडक्शन दिया है, उनके बेस पे आपको बताना है कि इनका कंपाउंड फॉर्मूला वो किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन आप अच्छे से रीड कर लो। तो देखो, जो एलिमेंट पी है वो आपका 15 ग्रुप का है। इसका ग्रुप नंबर कितना दिया है आपका? 15 दिया है। और आपका पीरियड कौन सा है? सेकेंड है। तो 15 में सेकेंड पीरियड में कौन आता है? नाइट्रोजन। तो आपकी इसकी वैलेंसी कितनी होगी? थर्ड आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद में क्यों, इसका पीरियड नंबर कौन सा दिया है? थर्ड। और ग्रुप नंबर कौन सा दिया है? दो। सेकंड। इसका मतलब आपका यहाँ एलिमेंट कौन सा हो गया? मैग्नीशियम हो गया। तो मैग्नीशियम हो गया, इसकी वैलेंसी हो गई +2। और जैसा कि अपने को पता है केटायन पहले लिखा जाता है और एनायन बाद में, तो ये तो हो गया आपका Q+2 और ये आपका हो गया P-3। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन गया आपका? क्रॉस कर देंगे चार्ज को, Q3P2। तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा? थर्ड। इसमें बेटा आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा कैसे पूछ सकता है? यहाँ तो इसने पीरियड एंड क्या दे दिए, ग्रुप दे दिए। दूसरा आपको वैसे दे सकता है जैसे फर्स्ट बी दे दिया, सेकंड बी दे दिया, फर्स्ट ए दे दिया, सेकंड ए दे दिया। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ इनके लिए ध्यान रखना। फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, इनके लिए स्पेशल ध्यान रखना है। ये कौन सा ग्रुप रहेगा अपने पास? 11वां वर्ग रहेगा। कौन सा? कॉपर, एजी, एयू वाला। सेकेंड बी कौन सा रहेगा अपने पास? जिंक वाले के लिए। फर्स्ट ए कौन सा रहेगा? क्षारीय धातुएं। सेकंड ए कौन सा रहेगा? क्षारीय मृदा धातुएं। फिफ्थ कौन सा रहेगा? नाइट्रोजन फैमिली है। और सिक्स्थ कौन सा रहेगा? ऑक्सीजन फैमिली है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किसे? एक आप याद रखेंगे, थर्ड ए। ये वर्ड भी यूज कर सकता है, जैसे कि वो कह देगी एक एलिमेंट है थर्ड ए का है, दूसरा एलिमेंट है किसका है? फिफ्थ ए का है या फिर सिक्स्थ ए का है, उनका एलिमेंट मॉलिक्यूल बताए कैसा बनेगा, तो उसको भी अपन लेकर कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। मतलब आपने को आप किसे यहाँ पे सर ने बात की है कि इसी में से अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे, तो बिल्कुल ये अच्छी बात है, आपको यहाँ पे नोट करके रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्न में से असत्य कथन की चयन कीजिए। पहला कह रहा है एयू बिलोंग्स टू फर्स्ट बी। अभी अभी अवेर ने बताया था ये फर्स्ट बी, देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये फर्स्ट बी की बात कर रहा है। फर्स्ट बी कौन सा है? कॉपर एजी एयू वाला। कॉपर एजी एयू, बिल्कुल ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट बी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। आउट ऑफ यूएनपी, यूएस, यूएनई, यूयूई द एलिमेंट विच मिनिमम एटॉमिक नंबर इज यूएनपी। बेटा इनके लिए बात करें, ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। यू को क्या बोलते हैं? अन। अन किसके लिए यूज करते हैं? वन के लिए, नील, जीरो के लिए। पी दे रखा है पेंटा, तो यहां से अपना क्या बन गया? 105 बन गया। यहां ध्यान रखने के लिए बेटा ये अक्षर कौन सा है? ई किसके लिए? 9 के। यहां भी 9 है, यहां कौन है? सेप्टा एट पी पेंटा। तो सबसे कम कौन सा आ जाएगा अपने पास? ये वाला आ जाएगा। तो बिल्कुल ये बात भी अपनी सही है। पोजीशन ऑफ सिल्वर इज मॉडर्न पीरियडिक टेबल कैन बी डिटेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। नहीं, उसके स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन के बेस पर नहीं है, क्योंकि इसके में किसमें चला जाता है इलेक्ट्रॉन? दूसरे में मूव कर जाता है। तो ये अपना रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। यहां पर अपन बात करें, इनके लिए आपको याद रखने हैं कि उदासीन ऑक्साइड अपने पास कौन से होते हैं? ये तीन ही उदासीन ऑक्साइड है। इसी पर आपको ये और चीजें याद कर रखनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एसिड एंड एम्फोटेरिक। बहुत बार पूछे जा चुके हैं इनके बारे में, बहुत बार बात कर चुका है। तो अपने स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं वो याद रख लो, जैसे HClO4 है, H2SO4, HNO3 है। और एसिड कौन से हैं? HBr है, HI है एंड HCl है। स्ट्रॉन्ग बेस्ड फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के ज्यादातर बेस होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। एम्फोटेरिक में बात करें, बेरिलियम के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, जिंक के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड है, गैलियम के हैं, SN के, PB के, इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के लिए आप स्पेशल ध्यान रखें। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे सर एक चीज और थी, अपन यहाँ पे ये बता सकते हैं कि बिल्कुल बेरिलियम हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आपका टिन हो गया और लेड हो गया, ये पांच है जिनको अपन एम्फोटेरिक मेटल में काउंट है। गैलियम, बेरिलियम, हाँ,
इनको अपन किस में काउंट कर सकते हैं? एम्फोटेरिक मेटल में। और जो मेटल एम्फोटेरिक होती है उनके ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होंगे, उनके हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होंगे। अगर इनकी हाइड्रेटेड फॉर्म देता है वो भी आपको किसके साथ जाना है? एम्फोटेरिक के साथ जाना है। और यहाँ पे सर ने बताया कि यहाँ पे कॉन्फिगरेशन से अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखो कि ग्रुप नंबर का पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेस पे। लेकिन जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्सेप्शन के तौर पे आ जाए ना, तो वहां पर समझ लो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देख के ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एक आपका ये आईपीएसी नेमिंग की अपन अपन बात करें, तो यहां से एक बार सबके सिंबल अपन देख लेते हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, इस बार सर इसमें से क्वेश्चन आता रहता है, रिपीट करता रहता है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है आईपीएसी नेमिंग में, सिंबल्स थोड़े ध्यान में रखने। अगर जीरो आ जाए तो उसके लिए नील काम में आता है, अगर एक आ जाए तो इसके लिए अन काम में आता है, अगर दो आ जाए तो इसके लिए वाई काम में आता है, तीन आ जाए तो ट्राई, चार आ जाए तो आपके क्वाड काम में आता है, पांच आ जाए तो पेंट काम में आता है, छह आ जाए तो हेक्स काम में आता है, अगर सेवन आ जाए तो सेप्ट काम में आता है, इसके अलावा अगर आठ आता है तो ऑक्ट काम में आता है, नौ आता है तो एन काम में आता है। इसी प्रकार अपन इसका कॉन्फिगरेशन, अब आपको जैसे सर ने वहां पे देखा था कि आपको यू एन पी, तो यहां से ले लो यू किसके लिए आ रहा था? ए के लिए, नील जीरो और ये फाइव, बिल्कुल सिंपल सा है। मतलब कि अगर आपका एलिमेंट एटॉमिक नंबर 100 या इससे ऊपर हो जाता है तो मेनली आपको उसका हमेशा आईपीएसी नाम ही देखने को मिलेगा, क्यों सर? ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अपना क्वेश्चन है विच इज मिसमैच्ड रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट एज गिवन बिलो। आपको एलिमेंट्स दिए हैं, उनकी पोजीशन दी है, देखना है करेक्ट मैच है या नहीं है, देख लेते हैं। एलिमेंट एक्स है, इसके लिए एटॉमिक नंबर आपको दे दिया 89, 89 पे आपको पता है एक्टिनियम है, डी ब्लॉक का है, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है पीरियड, तो इसका आपका कौन सा दे दिया 6, तो पहली बात तो ये 7th पीरियड में आएगा। दूसरी चीज ए ब्लॉक दे दिया, लेकिन एक्टिनम आपका कौन सा होता है? डी ब्लॉक से होता है, तो आपका क्यों सर पहला तो मिसमैच हो गया। आप याद ऐसे रख लें 90 से 103 किसमें देंगे अपन? एफ ब्लॉक में देंगे, 90 से 103 एफ ब्लॉक में देंगे, बाकी है जो बिल्कुल ये एक्टिनॉइड से मिक्स हो गया। जी सर, ठीक है, नेक्स्ट आप देखें जैसे वाई की बात कर रहा है यहाँ पे, और एटॉमिक नंबर इसका 100 दिया, जैसा कि सर ने बताया, देखो अभी बताया सर ने और आगे दे रखा है ऐसा ही, मतलब आपको बताया ये एक्टिनॉइड सीरीज में आ गया, एक्टिनॉइड सीरीज मतलब 7th पीरियड, और ब्लॉक एफ बिल्कुल ये मैच है आपका, लेकिन आपको यहाँ पे क्या देखना है? मिसमैच। क्वेश्चन पढ़ने पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट अपन देखें तो आपको एलिमेंट दे दिया कौन सा? जेड, और इसके लिए एटॉमिक नंबर दे दिया 115, और सर ने बताया कि 103 तक तो इसके, उसके बाद में टेल एलिमेंट किसके आ जाएंगे? डी ब्लॉक के, मतलब कि 104 से आप चले जाओ 112 में, ये रहेंगे डी ब्लॉक, इससे आगे वाले किस में चले जाएंगे सर? इससे आगे वाले कहां रहेंगे? पी ब्लॉक में, ब्लॉक में आ जाएंगे, और 115 इसका मतलब ये आ गया 13, 14, 15 नाइट्रोजन फैमिली का हो गया। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखे बेटा कि जो लास्ट एलिमेंट 7th पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट होगा 118 नंबर होगा, वो क्या होगा? इनर्ट गैस होगी। क्या होगी? आपको ऐसे पूछ लेते हैं 118 नंबर किस वर्ग में आएगा, आवर्त में आएगा, तो ये इनर्ट गैस होगी। इसके बाद में नया आवर्त स्टार्ट होगा, कौन सा आवर्त? 8th आवर्त स्टार्ट होगा, बिल्कुल सर, 8th आवर्त, 8th आवर्त स्टार्ट होगा। 8th आवर्त, आवर्त हमेशा कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? आवर्त हमेशा क्षार धातुओं से स्टार्ट होते हैं, और एंड पॉइंट कहां पर होता है इनका? एंड पॉइंट इनर्ट गैस पर होता है। तो आपको बात करें 118 नंबर कौन होगा? इनर्ट गैस होगा, 7th आवर्त होगा। 119 नंबर के लिए बात कर लेता तो वो कौन होता? 8th आवर्त होता, और क्षार धातुओं से स्टार्ट होता। मतलब सर कह रहे हैं कि हर पीरियड आपका एल्केलाइन मेटल से शुरू, क्यों सर? Yes. और लास्ट इनर्ट गैस पे खत्म। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज थी। तो यहाँ पे ये ब्लॉक तो पी हो जाना है, पीरियड तो सही है, लेकिन ब्लॉक यहाँ पे मिसमैच हो गया, तो ये भी मिसमैच है, तो अपन कौन से आंसर के साथ जाएंगे सर? फोर्थ के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अब ये जो दिया गया है किससे दिया गया है? मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल से बात की गई है। उसने कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी उस टाइम डिस्कवरी नहीं हुई थी, उनके बारे में उसने भविष्यवाणी कर दी थी। जैसे उसने बोला एका एल्यूमिनियम किसके लिए बोला गया? गैलियम के लिए बोला उसने। किसके लिए? गैलियम के लिए बोला। एका सिलिकन किसके लिए बोला बेटा? जर्मेनियम के लिए बोला। एका मैग्नीज किसके लिए बोला? टेक्नीशियम के लिए बोला था। ऐसे एका बोरोन किसके लिए बोला था? स्कैंडियम के लिए बोला था। तो अपने पास ये तो अभी दे नहीं रखे, अपने पास पूछा किसके, दो के बारे में पूछा है, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकन, तो कौन हो जाएगा? गैलियम एंड जर्मेनियम। आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट। बिल्कुल सर, मेंडेलियम के ये दो एडवांटेज मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं। एक तो वो एलिमेंट जिनकी डिस्कवरी उस समय हुई नहीं थी,
उनके बारे में पहले बता दिया प्रॉपर्टी। एक कुछ एटॉमिक एटम ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास गलत थे, प्रचलन में थे, उसको भी इसने सही किया था। जिसमें एक तो अपना कौन सा आता है बेरिलियम, उसमें हुआ क्या था आपका जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम है ये डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं। इस बेस पे उन्होंने क्या किया कि इसको भी ट्राइवेलेंट समझ लिया और इसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करके उन्होंने देखा तो एटॉमिक मास कुछ और ही आ रहा था जो कि गलत था। बाद में मेंडेलीफ ने बताया कि ये तो आपका डायगोनल रिलेशनशिप देता है, इस वजह से इसको ट्राइवेलेंट की नेचर से हो रहा है, बाकी तो ये तो आपका कैसा होता है बाइवेलेंट। क्यों सर? बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो अपन अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन की स्पेस देख के पता चल रहा है कि दो कॉलम दिए हैं, कॉलम दे रखे हैं, उनको मिला मैच करना है। तो आओ मैच करते हैं। एन एलिमेंट हुज फोर्थ सेल कंटेंट 2p इलेक्ट्रॉन, जो आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि p में 2 इलेक्ट्रॉन रखता हो, तो ये कौन रखता है सर? कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली में r आ जाएगा इसमें, तो r इसका बिल्कुल सर r आ गया। नेक्स्ट अपन देखें सर, एन एलिमेंट हुज वैलेंस शेल कंटेंट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो सर दो हो सकते हैं, एक तो अपना 13 बोरॉन फैमिली भी एक अनपेयर्ड रखता है 17 np1 और ये आपका 17 ये भी आपका क्या रखता है सर np5। तो 5 को अगर अपन देखें एक है 1 2 3 4 5 एक अनपेयर्ड आ रहा है यहां पे बिल्कुल सर, तो दो हो सकते हैं। अपना कौन सा दिया है इसमें, अपने को 13 ग्रुप नहीं दे रखा, 17 दे रखा है, तो इसका एस कर दीजिए। बिल्कुल सर एस कर देते हैं इसका। बिल्कुल एन एलिमेंट व्हिच रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन इन n-1d सबसेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d में है तो डी ब्लॉक को रखा गया है इसमें। डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक के कौन से ग्रुप आ गए? ये भी डी ब्लॉक ग्रुप है और ये भी डी ब्लॉक। बिल्कुल दो ऑप्शन दे रखे हैं, क्यू आ जाएगा। बिल्कुल सर पी एंड क्यू आ जाएगा। लास्ट अपने पास है एन एलिमेंट विद द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। अच्छा ये सर आगे आ गया, इक्वेशन दे रखा है, कॉन्फिगरेशन इधर आ गया, तो किसका ये 12 ग्रुप का नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट आ गया सर, है संक्रमण धातु, क्यू आ जाएगा, इसका आ जाएगा। बिल्कुल सर ऐसा ऑप्शन देखेंगे इसमें है। यहां से सर जनरली एक चीज देखिए, एक तो डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ही ट्रांजिशनल एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन होता है। नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है तो वो हमेशा आपको ऐसे ही मिलेगा NH2 और N-1d10, ये ध्यान रखना। ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन का भी अलग पूछ लेता है कई बार। जिंक कैडमियम मर्करी को संक्रमण धातु नहीं कहा जाता, क्योंकि संक्रमण धातु किन्हें कहा जाता है? जिनके किसी भी आद्य अवस्था या किसी भी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में आंतरिक तथा एन तथा N-1 कोश अपूर्ण, दोनों ही कौन से एन एंड एन माइनस वन कोश क्या होना चाहिए? अपूर्ण होना चाहिए किसी भी स्थायी ऑक्सीजन अवस्था या आद्य अवस्था में। तो ऐसे कौन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा? जिंक कैडमियम मर्करी इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए जिंक कैडमियम मर्करी क्या नहीं है? संक्रमण धातु में ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोला जाता। फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखें। देखें सर ने आपको बिल्कुल नई चीज बताई है, एक इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन भी होता है सर, उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है राइट। एक होते हैं अपने कौन से नॉर्मल एलिमेंट, उनका आपका अल्टीमेट सेल होता है वो अनकंप्लीट होगा, बोल दो अल्टीमेट सेल उसका अनकंप्लीट होगा। एक हो गए नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट, उनमें क्या होगा? अल्टीमेट और पेनल्टीमेट दोनों अनकंप्लीट होंगे। क्यों सर? और एक हो गए इनर ट्रांजिशन, उसमें आउटर मोस्ट 3 सेल अनकंप्लीट होंगे, n-1 and n-2, मतलब अल्टीमेट पेनल्टीमेट और प्री पेनल्टीमेट, या जिसको एंटी पेनल्टीमेट अपन बोल सकते हैं। इसी से हम बात करते हैं एफ ब्लॉक। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड्स, इनमें आपको याद रखना है, इसका कोई इलाज नहीं है आपको। ये सर ऐसा क्वेश्चन ऑलमोस्ट देखा है कि नीट में पूछता है, एक्टिनाइड्स के बारे में ज्यादातर बात करता है, तो एक्टिनाइड्स के बारे में ध्यान रखें। एफ ब्लॉक को तो याद कर ही लो आप, एक एक एलिमेंट को उसका पूरा नाम या सिंबल ये पूछता है, पूछा गया क्यों सर? और ये कैलिफोर्निया में तो बहुत लोचा करता है, BHU में बहुत बार आया। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे आपको पता है जीवन में से कौन सा एक्टिनोइड नहीं है आपका, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका किसका आ गया, लेंथेनोइड सीरीज का आ गया, इसका सिंबल आपको पता होगा ATP, ठीक है? तो अपना क्यों सर फोर्थ आंसर। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए सर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखना है, सबसे पहले डायवेनाइन ट्राइड की ये बात कर रहा है, तो देखो डायवेनाइन ने तो इन्हें ट्राइड दे दी, उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और भी ट्राइड अपन बना सकते हैं, तो अपना ये आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, RuRH, ये अपने किससे आगे फिफ्थ पीरियड से आ गया, और सिक्स से आपका आ गया ओस्मियम रेडियम और प्लेटिनम। अगर इनमें अपन देखें तो अगर L2R चलते हैं तो ये डायवेनाइनर ट्राइड है, ये उस डायवेनाइनर की जो डेफिनेशन है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन डाउन द ग्रुप ये इसको फॉलो नहीं करते, तो यूं तो ट्राइड नहीं है, लेकिन L2R ये सारे के सारे क्या है? ट्राइड है। क्यों सर? हाँ सर, अगर अपन बेटा देखें टॉप टू बॉटम के लिए, ट्राइड देखें टॉप टू बॉटम के लिए,
तो आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, फ्रंशियम की बात करूं मैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम की बात करूं मैं। अब आपको बात करेंगे यहाँ ट्राइड कौन से हैं, तो अपन क्या करेंगे इनके बीच में अगर डिफरेंस सेम है, जैसे यहाँ एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितना है 8 का, यहाँ कितने का है 8 का, यहाँ कितने का आ जाएगा 18 का आ जाएगा, और यहाँ भी कितने का आएगा बेटा 18 का आएगा। जिनमें डिफरेंस सेम मिलेगा वो त्रिक रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये ट्राइड बन जाएगा, ये भी एक ट्राइड बन जाएगा। पर आपको कोई पूछे कि ये ट्राइड बनेगा क्या, ये ट्राइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितने का 8 और 18 का। सर ने भी यही बताया यहाँ डिफरेंस के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, एटॉमिक नंबर में सेम डिफरेंस आएगा तो ये ट्राइड बन जाएगी। बिल्कुल, आपको यहाँ पर सर ने नई चीज दी है एकदम, वो क्या, अगर आपको डायवेनाइनर ट्राइड याद नहीं है किसमें फॉलो होता है नहीं होता है, तो बिल्कुल आपको सर ने एकदम नई चीज दी है, और मेरे हिसाब से सब इसको पहली बार फेस कर रहे होंगे। ए बी और सी तीन एलिमेंट है, आपको पूछ ले डायवेनाइनर ट्राइड है या नहीं है, तो अपन क्या करें इनके एटॉमिक नंबर का डिफरेंस लेके देख ले, Z2 माइनस Z1 अगर इक्वल है Z3 माइनस Z2, जैसा कि सर ने कहा, क्यों सर, बिल्कुल सही, मैं जहां तक समझ पाया यही कह रहे थे आप, तो बिल्कुल अपना यहाँ पे तो वो डायवेनाइनर ट्राइड है, तो इसमें आप बिल्कुल अच्छी चीज, आप इसका ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ ये याद रखना एस ब्लॉक में हर ग्रुप में क्या है, एक एक दो दो क्या है ट्राइड बन रहे हैं, दो दो ट्राइड बन रहे हैं, जबकि पी ब्लॉक में सिर्फ एक ट्राइड बनेगा हर ग्रुप में, तो बिल्कुल ये भी एक अच्छी चीज, आपके पास नहीं बनेगा यहाँ वाला, जबकि ये ट्राइड बनेगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि पी ब्लॉक में अगर देखा जाए तो हर ग्रुप में एक ट्राइड है, जबकि एस ब्लॉक में अगर देखें तो हर ग्रुप में दो ट्राइड बन रहे हैं। डी ब्लॉक में देखा जाए तो डी ब्लॉक में फर्स्ट जो थर्ड बी बनेगा उसमें तो ट्राइड बनेगा, बाकी सब में लेफ्ट टू राइट में बनेगा, टॉप टू बॉटम में नहीं बनेगा। बिल्कुल सर की एक चीज और मेरे को ठीक लगी, पी ब्लॉक में सर एक ही ट्राइड बता रहे हैं, यहां से बता रहे हैं इसका मतलब है फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पीरियड वाले ट्राइड होंगे, और सेवंथ का तो पी अभी ऑथराइज तो है नहीं एलिमेंट, क्यों सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट अपन चलते हैं किसके पास है, डायगोनल रिलेशनशिप, यही अपना डायगोनल रिलेशनशिप में वही जो अपने ग्रुप के साथ मैच न होके आगने वाले ग्रुप के साथ क्या करे प्रॉपर्टी मैच दे, तो जैसे क्यों सर लिथियम तो अपना मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम अपना एल्यूमिनियम के साथ है, और अपना बोरोन जाता है किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। यहाँ पे सर एक चीज नहीं लग रही क्या, मतलब ये वो सदस्य है ऐसा मेंबर जो अपने घर से नहीं बना रहा है पड़ोसी के साथ, इसको कुछ ज्यादा, ये बेटा देखो इनमें क्या चीज आई, लिथियम है, आप इस ग्रुप के लिए अगर थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी देखोगे, लिथियम है फर्स्ट ग्रुप में केवल और केवल लिथियम, वो नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है, जबकि बाकी और कोई भी नाइट्राइड फॉर्मेशन नहीं करता। ऐसे ही अगर अपन वाटर के साथ रिएक्शन देखें तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही किससे, हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं, बाकी जो सारे इस ग्रुप में जो नीचे के रखे हुए हैं सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, ये सारे किसके साथ करेंगे, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। इनमें अपन देखें तो ये दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इनके फाई की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, फाई क्या है सर बताएंगे आपको, फाई आपका आयनिक पोटेंशियल हो गया, जिसमें क्या होता है चार्ज और साइज का रेशियो होता है। कहने का मतलब इनके जो डायगोनल रिलेशनशिप जो मेंबर देने वाले हैं ना, एलिमेंट देने वाले, उनका फाई सेम होने का मतलब उनका चार्ज और साइज का रेशियो सेम है, सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनकी ऑलमोस्ट सेम सी होती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं टिपिकल एलिमेंट, तो ये भी अपना सही है, टिपिकल एलिमेंट की बात करें तो थर्ड पीरियड वाले सारे टिपिकल एलिमेंट है, थर्ड पीरियड वाले, रीजन क्या है अपना वो ग्रुप से अबनॉर्मल थोड़ी प्रॉपर्टी रखते हैं, एक इनर्ट गैस को इसमें हटा देना है, और इनको सीक्वेंस से याद रखना है। एक बार पूछा होगा सर सिक्स टिपिकल एलिमेंट जो कि सल्फर होता है, तो आपको ये सोडियम से लेकर के क्लोरीन तक आपको सीक्वेंस सही याद रखना है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जैसा कि सर ने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिनका अल्टीमेट सेल इनकम्प्लीट हो वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, और इनकी एक बात यह है कि हर पीरियड में ही है, एस और पी ब्लॉक वाले सारे टिपिकल एलिमेंट है, अगर इनर्ट गैस को हटा दे तो, क्यों सर, यस सर, तो अपन इसके साथ जा सकते हैं, ये रॉन्ग हो गया इसमें, ये फोर्थ पीरियड का हो गया है ना, तो अपन किसके साथ जाएंगे, थर्ड, बिल्कुल सर थर्ड के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन सर, बोलिए सर, ऐसा वर्ग कौन सा है जिसमें सारे तत्वों के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं है, ये मैं बताऊं सर, बताइए सर, सर 18वां, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर हीलियम दो ही रखता है, हीलियम दो ही रखता है, बिल्कुल सर, है ना, बिल्कुल सर, तो ये तो कुछ सोचने वाली थी नहीं, और बिल्कुल सारे आसान है, एक 18वां ऐसा होता है 18th जिसको अपने जीरो ग्रुप भी अपन बोल सकते हैं, वहां पे हीलियम दो रखता है और बाकी सारे आपके 8 8 8 रखते हैं, कौन सा हो जाएगा फर्स्ट आंसर आ जाएगा आपका 0। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
मेक आउट ऑफ द इनकरेक्ट मैच, वो इनकरेक्ट मैच अपने को यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो 3s2 3p6 ये इनर्ट गैस आ गई सर, और इनर्ट गैस बिल्कुल नॉन मेटल हो गई आपकी, बिल्कुल इनको नॉन मेटल दे सकते हैं। इसके बाद में ये अपना d10p5 आ गया, तो ps5 हैलोजन वर्ग आ गया, हैलोजन फैमिली आ गई, तो ये भी बिल्कुल सब नॉन मेटल हो गए, बिल्कुल सर। यहाँ पे अपन देखें बिल्कुल मेटल, डी ब्लॉक वाले तो सारे मेटल हैं, सारी मेटल्स होती हैं। और ये आपका सिलिकन आ गया सर, सिलिकन क्या होता है, मेटलॉइड्स होता है, तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सर, एटॉमिक नंबर है 120, एलिमेंट आईपी, ये तो अपने पहले ही कर लिया, अन्य बाई और नीलियम, क्यों सर? बिल्कुल सर, अब इसके लिए एक चीज और ध्यान रखें बेटा, मैं अभी बता ही गया हूं वैसे तो आपको, वो ऐसे पूछ सकता है कि 120 नंबर जो एलिमेंट आ रहा है वो कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से पीरियड में आएगा, वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर बात करें तो अपने को पता है, अभी मैं बताया गया हूँ कि 118 एलिमेंट कहाँ आ गए हैं, इनर्ट गैस तक आ गए हैं, टोटल कंप्लीट हो गया, कौन सा सेवंथ पीरियड कंप्लीट हो चुका है। तो जो 119 का आएगा वो कौन होगा बेटा जी, वो क्षार धातु होंगी, एल्केली मेटल्स होंगी। 120 आएगा वो कौन होंगी, क्षार मृदा धातु होंगी, क्षारीय मृदा धातु होंगी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगी। तो मतलब ये कौन है, एल्कलाइन अर्थ मेटल होगी, एक नंबर। दूसरा पीरियड नंबर कितना होगा, 8, ग्रुप नंबर कितना होगा, 2। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो 119 के लिए पूछ लेता है, 120 के लिए भी पूछ लेता है। लास्ट वाले में सर बस इसमें ये ध्यान रखना, लास्ट वाले के साथ ईएम जोड़ना होता है, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। हां सर, क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के आधार पर गलत कथन का चयन कीजिए, इंडिकेट द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए बोलिए सर, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है सबसे ज्यादा। एक चीज बताऊं बेटा आपको, थोड़ी अच्छी नॉलेज के लिए बात बता रहा हूं, पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी है, इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे अच्छा ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन है। सर कौन है, फ्लोरीन। कप्टी हो गया, किसी को दे ही नहीं रहा, ले रहा है, बिल्कुल, तो मतलब कप्टी एलिमेंट भी हो गया ये तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्कैंडियम इज द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट एंड बिलोंग टू फोर्थ पीरियड। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्कैंडियम से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है 21 नंबर से, और फोर्थ पीरियड स्टार्ट कहां, इससे डी ब्लॉक में फोर्थ पीरियड कहां से स्टार्ट होगा, स्कैंडियम से होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट फोर्थ पीरियड से शुरू होते हैं, बिल्कुल, और थर्ड ग्रुप होता है तो स्कैंडियम पहला मेंबर हो गया उसका, बिल्कुल, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। देयर आर थ्री ट्रांजिशन सीरीज इन द पीरियडिक टेबल ईच कंटेनिंग 10 एलिमेंट्स। ये तो सर बात हजम नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि मेरे हिसाब से तो चार पढ़ते हैं अपने, 3d 4d 5d और 6d, और साथ में ये बोलना संक्रमण तत्वों के लिए बात कर रहा है, ट्रांजिशन मेटल्स के लिए बात कर रहा है, अपन किसको, जिंक, कैडमियम, मर्करी को क्या नहीं बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते, तो बिल्कुल सर इसको रॉन्ग स्टेटमेंट अपन कंसीडर कर सकते हैं, रॉन्ग अपने को पूछा था। नेक्स्ट और देख लेते हैं सर, अलोंग ए पीरियड हैलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बिल्कुल, एक आवर्त में मैक्सिमम आईपी की बात की जाए, आईपी की बात करोगे तो किसकी आएगी, इनर्ट गैस की आती है, जबकि मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू किसकी, ईए की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन घनत्व की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो मैक्सिमम हैलोजन्स की होती है, ये याद रखें, और मिनिमम की बात की जाए किसकी, ईए की, मिनिमम की बात की जाए पॉजिटिव में किसकी आती है, इनर्ट मेटल की, इनर्ट गैस की आती है, किसकी आती है, इनर्ट गैस की। आईपी मिनिमम बात करें तो किसकी आएगी, क्षार मृदा धातुओं की, सॉरी क्षार धातुओं की आती है, किसकी आती है, क्षार धातुओं की। तो मिनिमम आईपी एक पीरियड के लिए बात करो, कौन फर्स्ट ए ग्रुप, मैक्सिमम आईपी, ये थोड़ी चीजें याद रखना, इनर्ट गैस, मिनिमम ईए किसकी, इनर्ट गैस पॉजिटिव में आती है, मैक्सिमम किसकी आएगी नेगेटिव में, ईए हैलोजन की, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सर कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे ये पूछ लिया कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की, वैसे मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी पूछ ले तो वो सीजियम हो गया अपना, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की पूछ ले तो क्लोरीन हो गया पूरी पीरियोडिक टेबल, क्यों सर, नेगेटिव मैक्सिमम नेगेटिव क्लोरीन की मिलती है। बिल्कुल हाँ, एक चीज और है साइज से रिले, थोड़ा सा देखो अटपटा है साइज में, कई बार पूछ लेता है स्मॉलेस्ट कैटायन कौन सा है, एच प्लस, क्यों सर, लेकिन A9 में कभी H माइनस मत कर देना, A9 स्मॉलेस्ट होता है, F माइनस, क्यों सर, ये चीज आपको ध्यान में रखने वाली है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया सर, इनकरेक्ट अपने को देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए सर, वही सर कॉलम मैच करवा रहे हैं यहाँ पे, है ना, कॉलम मैच है इसमें भी, तो ब्रोमीन तीन कॉलम दे दिए हैं, चेंज किया थोड़ा क्वेश्चन, कॉलम कितने दिए इस बार, इस बार तीन कॉलम दिए, इसमें स्पेशल ध्यान रखना है आपको, बताए सर,
ब्रोमीन, ब्रोमीन आपको बताया आपके नॉन मेटल है, और बिल्कुल सर लिक्विड नॉन मेटल, नॉन मेटल में यही है जो लिक्विड है, क्यों सर रूम टेम्परेचर पर? याद रखो F2Cl2 Br2 एंड I2, इनके लिए बात कर लेते हैं। ये कैसे बेटा सॉलिड है, ये कैसे है लिक्विड है, और ये दोनों कैसी है गैस है। अब इसके लिए एक छोटी सी चीज और याद रखनी, ये कौन सा सॉलिड है, ये वांडरवाल सॉलिड है, वांडरवाल सॉलिड है बेटा। सॉलिड की दो मेन बातें आप करेंगे, एक तो कैसे कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, और दूसरा कौन सा वांडरवाल सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे डायमंड हो गया, SiC हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड इनऑर्गेनिक डायमंड हो गया, SiO2 हो गया, उसके भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। जो वांडरवाल सॉलिड होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं, जैसे सॉलिड I2 हो गया, ये क्या है वांडरवाल सॉलिड है। नेक्स्ट करें सर। मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं सिंपल सा कि जो आयनिक है ना उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कोवेलेंट का कम होता है, लेकिन अगर कोवेलेंट में थ्री डायमेंशनल पैकिंग आ गई, क्यों सर, तो उनका आयनिक सॉलिड बोले है ना। इसके अलावा अपन देखे सर रूम टेम्परेचर पूछे तो मरकरी और ब्रोमीन ये दो लिक्विड है, लेकिन कई बार दे देता है कि रूम टेम्परेचर की बात न करके 830 डिग्री सेल्सियस दे दे, तो सीजियम गैलियम फ्रांसियम भी अपन ले सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि एथैल्पी रखते ही मेल्ट होंगे वो। खैर इसमें इस थर्ड कॉलम में से और मैच करें तो अपन कॉन्फिगरेशन मैच यहाँ पे ये कर सकते हैं, क्यों सर? बिल्कुल सर। तो ये हो गया क्यू। क्यू गोल्ड के लिए बात करें तो गोल्ड आपकी बिल्कुल नोबल मेटल है, मतलब नेटिव फॉर्म में या एलिमेंटल फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है, क्यों सर लेस रिएक्टिव है? इनकी दो चीजें, एक तो होते हैं नोबल मेटल AU एंड PT, बिल्कुल सर, क्योंकि ये नॉर्मली किसी एसिड या बेस से रिएक्शन नहीं करती, ये केवल और केवल बेटा एक्वारेजिया में सोल्यूबल होती है। एक्वारेजिया आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि ऐसे तो याद रहता है इसमें कौन कौन होता है, कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट HCl होता है, परंतु इनका रेशियो याद रखने में आप बहुत दिक्कत करते हो। इसका याद करने का एक तरीका ये अपनाना, जो ज्यादा है वो कम लेना है, जो कम है वो ज्यादा लेना है। यहाँ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है, कितनी है 1, 2 एंड 5, और यहाँ कितनी है 2 है, तो ये मेरे को ज्यादा लेना पड़ेगा, मतलब 3:1। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो ज्यादा है वो कम लेके चलना है, जो कम है वो ज्यादा लेके चलना है। बिल्कुल सर ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं भी भाई इसमें बहुत बार कंफ्यूज होता हूँ, ये कंसंट्रेट HNO3 3 लो या उसका एक भाग लो, तो बिल्कुल जो ज्यादा है वो कम ले लो, क्योंकि वो पहले से ही ज्यादा है, क्यों सर? और एक होती है नोबल गैस, वो अपनी वो होगी सर जिनका अल्टीमेट सेल कंप्लीट होता है, मतलब नोबल 18 ग्रुप गैस होती है, और एक होती है नोबल मेटल। नोबल मेटल कौन सी है? AuPT। नोबल गैस कौन सी होती है आपको पता है? 18 ग्रुप है, तो गोल्ड के लिए फर्स्ट आ गए सर। और इधर से देखा जाए तो ये ट्रांजिशन मेटल है, क्योंकि इसका पहले अल्टीमेट सेल अनकंप्लीट है, तो ये आ गया इसके साथ आर। मरकरी सर, हाँ तो अब देखते हैं अपन मरकरी की बात करते हैं, क्यों सर? तो मरकरी आपका अच्छा नीचे दे रखा है लिक्विड मेटल, तो बिल्कुल इसको मैच कर देंगे सर, क्यों फोर्थ के साथ अभी बताया था थोड़ी देर पहले, और इस कॉलम में से अमलगम बनाती है भाई मरकरी, बिल्कुल सर ऑलमोस्ट मेटल है जो इनके साथ अमलगम बना लेती है, पी आ जाएगा। फिर आयोडीन हो गया आपका, आयोडीन क्रिस्टलाइन नॉन मेटल हो गया, क्यों सर? तो ये सेकंड के साथ मैच हो गया, जैसे अभी थोड़ी देर सर ने बताया था ना, ये आपका सॉलिड है, समझ गए ना? फिर उसके बाद इधर से देखेंगे वॉयलेट कलर का होता है आयोडीन, तो अपना एस से मैच कर जाएगा, तो अपन देखा जाए कौन सा केस हो गया सर इसमें। ए का देख लीजिए, ए का थर्ड क्यों, बी का देखें सेकंड, ये भी नहीं है, थर्ड का क्यों, बी का IR, IR, सी का फोर्थ, पी, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा, क्यों सर? बिल्कुल सर। इसमें से आपको कई बार तो क्या होगा, दो मैच करते ही आंसर मिल जाएगा, तो पूरा क्वेश्चन भी नहीं आता है, तो अपना सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, फिल द ब्लैंक से पैकिंग द करेक्ट ऑप्शन, आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ वैकेंट स्पेस दिए उनको फिल करना है। देयर आर कितने ग्रुप्स होते हैं पीरियडिक टेबल में, 18 एंड 7th पीरियड, क्यों सर? बिल्कुल सही बात, पीरियड इन द एक्सटेंड फ्रॉम द पीरियडिक टेबल द ग्रुप ऑल मेंबर्स ऑफ व्हिच आर इन गैसेस स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन इज, तो गैसेस कौन से होते हैं, 18 ग्रुप वाले होते हैं सर सारे, 18 ग्रुप नहीं दे रखा हो तो देयर के ग्रुप से देखें, या जीरो ग्रुप भी अपन बोल सकते हैं इसको। हां मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो आपके एल्केलाइन मेटल आ गए, क्यों सर? बिल्कुल सर, फर्स्ट, तो अपना कौन सा हो गया सर, 18-7-18-1, तो फोर्थ आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले सर, बिल्कुल सर, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर मेटलिक कैरेक्टर, निम्न में से धात्विक लक्षणों का सही क्रम है, बताएं। यहाँ पे अगर अपन देखें तो मेटलिक का देखो बेसिकली तो क्या होता है कि अपने L2R चलते हैं,
तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं तो आपके मेटेलिक करेक्टर वो क्या होते हैं, इंक्रीज। मेटेलिक करेक्टर देखा जाए तो अपन आयनाइजेशन एनर्जी से दे सकते हैं भाई, लेकिन ये भी करेक्टली बोलना सही नहीं होता क्योंकि नॉन मेटल्स की तरफ जाते हैं तो वहां पे ई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल भी आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में तो ये होता है कि बेसिकली आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो तो यहाँ पे देखा जाए ऐसा क्वेश्चन करो तो बेटा इनको अरेंज किया ग्रुप में, इनको ग्रुप एंड पीरियड में अरेंज करो। अब अपने पास कौन कौन है इनको अरेंज कर लें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इधर कौन आएगा सिलिकन, और यहाँ के दे रखा है फॉस्फोरस दे रखा है, क्या दे रखा है फॉस्फोरस। अगर अपन इनमें बात करते हैं तो यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या हो रहा है मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, तो मैक्सिमम अपने पास किसमें आएंगे सोडियम में आएंगे, मैक्सिमम किसमें आएंगे सोडियम में। आपके पास ऑप्शन ही एक ऐसा है जिसमें मैक्सिमम किसमें है सोडियम में, आंसर आ जाएगा आपका फोर। या आप ऐसे कर सकते हो मेटल मेटल को अलग कर लो, मेटल का आइडेंटिफाई कर दे सोडियम, फिर मैग्नीशियम और फिर बेरिलियम, क्यों सर, उसके बाद भी ये दोनों बच गए तो इधर मेटेलिक करेक्टर कम हो रहे हैं तो ये आपका सिलिकन और फिर फॉस्फोरस, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा। ऐसा कभी भी कोई साइज का क्वेश्चन आए मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर आए तो इसको पहले सबसे पहले इजी करने का तरीका आप ग्रुप एंड पीरियड को उसे डिवाइड करें बेटा, तभी ये क्वेश्चन आपके इजी वे से हो जाएंगे। अगर आप ऐसे करने बैठोगे अदर तरीके से तो आपको दिक्कत आएगी, रॉन्ग होगा। सबसे सिंपल तरीका ग्रुप एंड पीरियड में अरेंज करो और आंसर अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट, इसीलिए सर मॉडर्न पीरियडिक टेबल ज्यादा यूजफुल है, क्यों। बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, आयंस दिए हैं और उनकी प्रॉपर्टी दी है सर, क्यों। तो यहां से मैच कर लेते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं वेनेडियम, तो वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23 पे आता है, एस के इलेक्ट्रॉन तो सबने निकाल दिया प्लस 2 में, क्यों सर, अपन डी वाला लिख लेते हैं इससे पता आइडिया हो जाएगा। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसका तो हो गया 3d3, फिर क्रोमियम का आ गया 3d4, क्यों सर, मैग्नीज आ गया आपका 3d5 और ये आ गया 3d6, तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। अगर इसकी बात करें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहां पे अनपेयर्ड 4 ही है, तो पहला सर आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया बेटा। एक चीज और इसमें ध्यान रखें, आपने एक फॉर्मूला लिख लेते हो आप, क्या ये फॉर्मूले से अपन इसको कैलकुलेट करते हो आप, इसमें रखकर वैल्यू रखकर आंसर निकालने की कोशिश करते हो, काफी टाइम लग जाता है। ऐसे तरीके से क्या करो कि तो आपके पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके इक्वल ही इसकी वैल्यू आएगी। जैसे अगर आपके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है आंसर आएगा 1.73 आएगा, अपने को आगे वाला याद नहीं रखना है। दो आएगा तो कितना आएगा 2.something आएगा, वैल्यू बता देता हूं मैं 2.83 आएगा, ठीक है। तीन आएगा 3.something, चार आएगा 4.something, पांच आएगा 5.something, छह आएगा 6.something आएगा। तो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां देख रहे हैं अपन, यहां देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा 5.9something आएगा, यहां 4 है, फिर ये भी 4 है, फिर इसका 3 है, तो इनकी वैल्यू अपने को सेम, मतलब याद ये रखना है अपने को जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हो उतने ही अपने को मैग्नेटिक मोमेंट प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां से ये अपना फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया, नेक्स्ट आगे और यहां पे अपने को ऑर्डर कैसे देखना है सर, डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर, तो अपना आंसर तो आ गया सर, फर्स्ट आंसर आ गया, लेकिन अभी और देख लेते हैं क्या होता है इसमें ऑल ऑफ दीज है। फिर ये कह रहे हैं नंबर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन से, तो यहां पे आ जाओ निकल की अपन बात करें तो एस वाले तो फिर सबने निकाल दिए, तो ये आ गया 3d8, ये आपका आ गया 3d7, ये अपने पास आ गया 3d6 और ये अपने पास आ गया 3d5। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए 2, फिल करके देख लेने हैं आपको, इसके पास आ गए अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, इसके पास 4 और इसके पास 5, तो ये तो करेक्ट ऑर्डर हो गया। इसमें फिल करो वरना आप एक ध्यान रखे क्या तरीके हैं ये बेटा इनऑर्गेनिक को जल्दी करने के, जितना भी आ रहा है 10 में से जितने बच जाएंगे उतने होंगे। जैसे इसमें 8 आ रहा है, 10 में से 8 गए 2 अनपेड हो जाएंगे, 10 में से 7 गए 3 अनपेड हो जाएंगे, 10 में से 6 गए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 में से 5 गए 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये 5 तक आपको 5 से ऊपर जब भी जा रहे हो तो 10 में से माइनस कर देना उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी उतनी आ जाएगी। कॉपी में पेन चलाने की भी आपको जरूरत नहीं है। आपका सर ने यहाँ पे फिल करने वाला लफड़ा ही खत्म कर दिया, फिल करना ही नहीं अपने को, अपने को कॉपी में पेन नहीं चलाना, फिटाक दिमाग चलना चाहिए, आंसर आएगा आपका। तो ये अपना सर ये इनकरेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, तो आंसर तो अपना यही होगा, लेकिन इसको और देख लेते हैं सर। ऑक्सीडेशन स्टेज की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना डी ब्लॉक वाले मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेज तो देते हैं एनएस इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम दे सकते हैं एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस एन माइनस वन डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्यों सर, तो आ जाए यहां पर देख ले।
तो इसके एनडीएम के पास तो मैक्सिमम आएगी 3, इसके पास मैक्सिमम आएगी 4, एनएस इलेक्ट्रॉन और एन माइनस 1 डी अनपेयर्ड को जोड़ रहा हूं, इसकी आ जाएगी मैक्सिमम 6, क्योंकि एस में है डी वाले पांचों अनपेयर्ड है, क्यों सर, इसकी आ जाएगी मैक्सिमम 7, तो ये भी सर करेक्ट ऑर्डर हो गया। तो अपना आंसर कौन सा है, और ध्यान रखिए बेटा यहां, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको नॉर्मल से ज्यादा मिल रही है, नॉर्मल से मतलब जिसकी जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा आ रही है, मतलब उसमें कौन प्रेजेंट है, उसमें प्रॉक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है, और जिनमें प्रॉक्सी बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है आपको CrO5, बिल्कुल सर, CrO5 की ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे काउंट करोगे तो आपके पास प्लस 10 आ रही है, जो ये रॉन्ग है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है सर ने बताई, 6 हो सकती है, मतलब इसमें कौन है, प्रॉक्सी बॉन्ड है, इसकी बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, जैसा कि सर बता रहे हैं बटरफ्लाई लाइक, क्यों सर, यस सर, ब्लू कलर देता है ये, यस सर, चार ट्रांसफर स्पेक्ट्राइज का रीजन रहता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। अब देखिए ये परॉक्सी लिंकेज आ गया, जिनमें ये परॉक्सी लिंकेज होगा उन्हीं की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल से अपने को ज्यादा मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, कैरोज एसिड होता है H2SO5, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करो कितनी आ रही है, प्लस 8 आ रही है, कितनी आ रही है, प्लस 8, जो रॉन्ग है। तो इसकी स्ट्रक्चर बना ले क्यों सर अपन, बिल्कुल सर, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें परॉक्सी लिंकेज होगा, क्या होगा, परॉक्सी लिंकेज होगा, जैसा कि सर बता रहे हैं ये रहा आपका प्रॉक्सी लिंकेज। एक चीज का ध्यान रखना, डी ब्लॉक वाले कलर देते हैं सर डीडी ट्रांजिशन से, वो कब होगा, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड दोनों होंगे, क्यों सर, बिना लिगेंड ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही ए ब्लॉक का जब आ जाए ना, तो आप एक नया नाम ले लो, एफएफ ट्रांजिशन, बिल्कुल सर। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी कलर्ड बोल रहा है, तो आप वहां पे आंख बंद करके कर दो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, क्यों सर, बिल्कुल सर। तो ये ब्लू कलर का है, 6 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां है नहीं, तो स्टेट कितनी है, प्लस 6 है, तो चार्ट ट्रांसफर स्पेक्ट्रा रीजन हो जाएगा, क्यों सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, सेलेक्ट दी इक्वेशन हैविंग एक्सोथर्मिक स्टेप, सर ये क्वेश्चन मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएनायन ऑलवेज इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्यों सर, बिल्कुल सही बात सर, पॉलीएनायन जहां बनेगा ना एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, कैसे, ये एस माइनस है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो देखो माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव रिपल्सन हो गया, अब ये लेगा नहीं, इसको देना पड़ेगा, देना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, अपने को यहां पे देखनी है एक्सोथर्मिक, तो ये तो गया, बिल्कुल सर। यहां पे सर लेटिस एनर्जी गैसेस कंपोनेंट आयन मिल करके 1 मोल आयनिक क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं, तो यहां पे जो एनर्जी निकलेगी वो सर लेटिस एनर्जी होगी, पर्याप्त आयनों से 1 मोल ठोस के निर्माण में निकलने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी बोलते हैं, लेटिस एनर्जी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक तो बी हो गया, फिर आगे देखें नियोन, ये तो सर स्टेबल है, इसका हो गया अपना 2s2 2p6, तो ये तो लेगा ही नहीं सर इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर तो पॉजिटिव होगी, तो एंडोथर्मिक हो गया, तो ये भी गया। यहां पे देखा जाए तो देखो जब केटायन दे देना तो आप यहां पे वो रूल बन जाओ, इलेक्ट्रॉन ले रहा है नहीं ले रहा, आप आयनाइजेशन एनर्जी देखो, आप यहां पे Al+2 से Al+3 में जा रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है, और काफी ज्यादा देनी पड़ती है, तो इससे अपोजिट अगर रिएक्शन करोगे जितना दी थी उतने ही निकलने वाली है, तो ये भी आपका क्या हो गया एक्सोथर्मिक। ये सर बच्चों को यहां पे कंफ्यूज होता है कि ज्यादा निकल रही है, आप एक याद रखें कि यदि एक प्रक्रम एक्सोथर्मिक है तो उसका ऑपोजिट जो प्रक्रम होगा वो ऊष्मा एंडोथर्मिक होगा, कैसा होगा एंडोथर्मिक, एक ऊष्मा छेपी है तो दूसरा ऊष्मा शोषी होगा, मतलब एक एक्सोथर्मिक है तो दूसरा एंडोथर्मिक होगा। जैसे मैं जा रहा हूं X2 X- जा रहा हूं, मान लो ये प्रोसेस कैसा है एक्सोथर्मिक है, ऊष्मा छेपी है, तो इसका विपरीत प्रक्रम होगा वो कैसा होगा एंडोथर्मिक होगा, क्या होगा एंडोथर्मिक। ये एक्स की क्या है ईए है, ये एक्स माइनस की आईपी है, क्वेश्चन पूछा गया आईटी में पूछा गया था कि सोडियम से सोडियम प्लस वन जाते हैं तो इसमें एनर्जी लगती है मेरे की 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगती है, कितनी लगती है, जबकि सोडियम प्लस से सोडियम में जाएंगे तो कितनी लगेगी, तो आंसर आ जाएगा -5.4 बाहर, ये अपने एपीएमटी का सवाल भी है, निकल जाएगी इतनी। इसमें एक बात हो, दूसरी अपन मैं बता रहा हूं आपको, जैसे अपन ने कहा बंद निर्माण, बंद निर्माण एक ऊष्मा छेपी प्रक्रम है, जबकि उस बाउंड को तोड़ोगे तो उतनी ही एनर्जी अपने को क्या देनी पड़ेगी, वापस देनी पड़ेगी। तो एक प्रक्रम अगर ऊष्मा शोषी है तो दूसरा क्या होगा ऊष्मा छेपी है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है एंडो का उल्टा एक्जो होगा, अगर प्रोसेस एक्जो है उसको उल्टा करोगे तो वो एंडो हो जाएगी, क्यों सर, बिल्कुल। तो अपना ये भी मतलब कि एक्सोथर्मिक हो गया, तो अपना आंसर हो गया बीडी, लो बीडी साहब के साथ होगा, थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट शेल्डिंग कोफिशिएंट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, निम्न में से कौन सा क्रम परीक्षण प्रभाव तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश के लिए सही क्रम को प्रदर्शित
तो सर अपन पेरिडिटी में एल टू आर जाए तो भी सेलिंग बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम चलते तो भी सेलिंग बढ़ेगा, क्यों सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए वहां सेलिंग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल सर। तो लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरोन, बोरोन से कार्बन, नाइट्रोजन, इधर बिल्कुल सर सेलिंग इफेक्ट बढ़ेगा। ये तो आपका करेक्ट ऑर्डर है, इधर है लिथियम से बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, जेड इफेक्ट। एल टू आर चलते हैं तो जेड इफेक्ट भी बढ़ता है, क्यों सर? बिल्कुल। तो ये भी सही होगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है इस चीज में। इधर है टॉप टू बॉटम चलेंगे तो सेलिंग इफेक्ट बढ़ता ही नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्यों सर? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ गया तो जो अल्टीमेट था वो पहले अल्टीमेट बढ़ जाएगा, तो जिसका सेलिंग इफेक्ट 0.35 आना था वो 0.85 अप्रोच करने लग जाएगा, क्यों सर? बिल्कुल सर। तो यहां पर तो इक्वली का पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया, जबकि जेड इफेक्ट एक बार बढ़ता है फिर ऑलमोस्ट सेम बना रहता है ग्रुप में सर, क्यों सर? नीचे सेम रहता है, ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट। तो ये अपना करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इनकरेक्ट पूछा है तो अपना थर्ड आंसर चला जाएगा, क्यों सर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, देखना सर एक बार। मार्क आउट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, निम्न में से त्रिज्या का बढ़ता हुआ सही क्रम है। बेटा अब देखो तुम्हें क्वेश्चन कैसे कैसे देता है, या तो आपको सिंपल केटाइन दे दे या सिंपल एनाइन दे दे, तब तो बात अलग आएगी, तब तो अपन उनको ग्रुप और पीरियड में अरेंज कर लेंगे। पर यहाँ पर इसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया आपको, केटाइन और एनाइन को मिक्स कर दिया, तो फिर भी इनको एक बार अरेंज करना है अपने को, किसमें? जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस टू, और यहां कौन आएगा, पोटेशियम प्लस वन आएगा, एंड इधर कौन आएगा, ए एस माइनस थ्री, और इधर कौन आएगा, सॉरी Br माइनस वन। तो अब अपने को इसमें अरेंज करना है, तो ये तो सबसे स्मॉल आ जाएगा अपने पास, ये तो सबसे स्मॉल आ जाएगा। और फिर इनमें बात करें, इनमें अपन किससे दे देंगे, इनमें अपन चार्ज से दे देंगे, किससे दे देंगे, चार्ज से दे देंगे। सबसे ज्यादा चार्ज किस पर, एस माइनस थ्री पर, फिर बी आर माइनस, फिर पोटेशियम प्लस, फिर मैग्नीशियम प्लस, ऐसा ऑप्शन देखिए किसमें है, अपने पास कौन सा आ गया आंसर, आ गया सेकेंड। बिल्कुल यहाँ पे सेकेंड आंसर हो गया। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हो तो जेड बढ़ता है तो साइज घटती है, क्यों सर? बिल्कुल सही बात, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हो तो सोचना ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर एटम सेम हो, उसी का केटाइन उसी का एनाइन दो, तो एटम की साइज से बड़ा हमेशा कौन होगा सर, एनाइन, और ये हो जाएगा आपका केटाइन स्मॉल, उसका रीजन क्या हो जाएगा, जेड इफेक्ट बढ़ गया या सेल लॉस्ट, एक सेल भी कम हो जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए तो आपको कुछ भी नहीं देखना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज घटेगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज बढ़ेगी, सीधी सी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर साइज बढ़ेगी, साइज इंक्रीज होगी ऑलवेज, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर हमेशा डिक्रीज, साइज हमेशा डिक्रीज होगी। तो यहां से भी आपको नई चीज देखने को मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन, यहां पे किसमें? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें, जब दो होगा तो लड़ेगा, अकेला इलेक्ट्रॉन किससे लड़ेगा, क्यों सर? हीलियम है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया प्रतिकर्ष, मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया प्रतिकर्षण बल के लिए बात करें। अगर इलेक्ट्रॉन ही एक है तो किस पर प्रतिकर्षण लगाएगा? जैसे इस क्लास में 11 बच्चे हैं, किसी एक को कूटना है अपने को, कितने कूटेंगे? 10 ही तो कूटेंगे। अगर एक ही होगा तो उसको कौन कूटेगा? कोई नहीं कूटेगा। वही बात है, सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर हुआ, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी अपन कभी भी सिग्मा की बातें नहीं करते, स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं करते। अच्छा एग्जांपल दिया, अकेला लड़का होगा ये तो है नहीं, पागल है, खुद को ही पीट लेगा भाई। वैसे यहां पे हीलियम है, दो इलेक्ट्रॉन थे, एक निकाल दिया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा है, इसको तो सिर्फ खींचने वाला है, यहाँ पे फेंकने वाला एक भी ना है, क्यों सर? तो यहाँ पे स्क्रीनिंग नहीं लगेगा। स्क्रीनिंग का मतलब याद रखो, फेंकना, रिपल्सन लगेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं भाई, और स्क्रीनिंग मतलब फेंकना मतलब बढ़ाएगा, साइज बढ़ाएगा, क्यों सर? इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये सारी ही सिंगल इलेक्ट्रॉनिक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्लियर? बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द आयनिक रेडी, बिल्कुल सर आप वाली चीज ही आ गई है, बस ये डेटा देख के कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई, ये डेटा सिर्फ कंफ्यूज करता है, आपको करना होता है इसमें कुछ भी कैलकुलेट, ऑप्शन के बेस पर आपको तो बस ये देखना सबसे बड़ा वैल्यू इसके साथ चिपका दो, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है भाई, इनमें ऑर्डर दोगे क्या ऑर्डर मिलेगा आपको, ये आ गया, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो इसके पास आ जाएगी 1.71, फिर 1 ये नहीं होगा 1.71, 1.40 और 1.36, क्यों सर? बिल्कुल थर्ड आंसर हो जाएगा आपका। तो ऐसे में कई क्या करते हैं कि ये तो डेटा दे दिया, छोड़ के आगे निकल जाए, डेटा सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है, आपको अरेंज करना है और इनको इन अनुसार अरेंज कर दो, क्यों सर? बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव
पेनेट्रेशन पावर ऑफ डिफरेंट सबसेलेज, उपकोशों की भेदन क्षमता। पहले तो बेटा ये समझे भेदन क्षमता है क्या, किसी भी चीज को भेद कर अंदर से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना, जो नाभिक के ज्यादा पास होगा उसको भेदने के लिए अपने को अंदर तक ज्यादा जाना पड़ेगा। नाभिक के पास ज्यादा कौन रहता है, एस रहेगा, फिर पी, फिर डी एंड फिर एफ, और सबसे ज्यादा फिर भेदन क्षमता किसकी हो जाएगी, एस की, फिर किसकी होगी, पी की, फिर किसकी होगी, डी की, एंड सबसे कम किसकी आएगी, एफ की। तो बेटा जी एक चीज याद रखना कि भेदन क्षमता हमेशा एक कोष के लिए देखी जाती है, ऐसे नहीं कि आप कहोगे कि फिल कर रहे हो सर पहले कौन एस फिल होता है, फिर एन माइनस टू एफ होता है, फिर एन माइनस वन डी होता है, ऐसे अपने को भेदन क्षमता हमेशा सेम कोष के लिए बातें होती हैं, अलग अलग कोषों के लिए भेदन क्षमता की बातें नहीं होंगी। अपन एक कोष मान लो ये फोर्थ नंबर कोष ले रहे हैं, तो सबसे फोर एस कहाँ रहेगा, नाभिक के सबसे पास रहेगा, फिर कौन रहेगा, फोर पी रहेगा, फिर कौन रहेगा, फोर डी रहेगा, और फिर कौन रहेगा, फोर एफ रहेगा, सेम कोष के लिए बातें होंगी। क्यों सर, मतलब इसका मतलब ये होगा अगर कभी पेनिट्रेशन लगा तो वो एक ही पीरियड में लगने वाला है, क्यों सर, ये तो हमेशा पेनिट्रेशन आगे आएगा तो देखना वो एक ही पीरियड में लगेगा, ना कि अलग अलग पीरियड के बीच लगेगा, क्यों सर। तो हमेशा बस सर ने जैसा कहा यही ध्यान रखना है, जो न्यूक्लियस के जितना क्लोज है उसका पेनेट्रेशन ज्यादा है, तो एस सबसे क्लोज है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है, सर की वो चीज याद रख लो कि सेल सेम होना चाहिए, एन की वैल्यू कहने का मतलब ही सेम होनी चाहिए, क्लियर। तो अपना एस पी डी एफ, क्यों सर, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस का पूछा है सर, बिल्कुल सर। तो जैसा कि आपने कहा कि चार्ज के टाइम का बढ़ेगा तो साइज कम होगी, तो यहां पर तो सर केटाइन का चार्ज ज्यादा है, मतलब ये तो रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। दूसरा यहां पे क्लोराइड और ब्रोमाइड सेम चार्ज है, लेकिन ग्रुप देखा जाए तो पीरियड चेंज हो गया, नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ता है, तो ये सही है सर। क्या नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने के कारण साइज बढ़ेगा, तो ये करेक्ट ऑर्डर हो गया सर। क्यों, फिर इनके पास ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये एटॉमिक नंबर 19, ये 17, और जेड बढ़ता है तो साइज कम होती है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए तो मैंने आपको बोला है जब जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज डिक्रीज होगी, जब जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज इंक्रीज होगी, जो सर इसका ये हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर, बिल्कुल सर। इसका मतलब ये तो इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे देखा जाए वही चीज सर, प्लस बढ़ गया फिर भी साइज बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, अगर ये होता तो ये सही होता। तो अपने सेकंड के साथ सेकंड आंसर, तो आपको यहाँ पे कुछ नई चीजें देखने को मिल रही होंगी सर के साथ। द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, वो सर आप वाला फंडा आ गया, वो याद रखना है स्पेशली, बहुत बात इसके लिए कुछ बातें हो चुकी हैं, स्पेशली इसको याद रखना है। इसको कैसे अरेंज करोगे, देखो कहीं कंफ्यूजन कहां कहां आपका रहता है, सबसे ज्यादा बात करते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के लिए बात करूं, लिथियम और मैग्नीशियम के लिए बात करूं, लिथियम और मैग्नीशियम में से आपको अगर साइज पूछी जाए कब, जब न्यूट्रल है तो उस टाइम, वैसे तो इनकी ऑलमोस्ट सेम साइज होती है, पर इसने डाटा के बेस पर पूछ रहा है ये क्वेश्चन, तो यहां पर हल्की सी साइज किसकी बड़ी होती है, मैग्नीशियम की साइज हल्की सी बड़ी होती है, कब, जब न्यूट्रल अवस्था में होता है, परंतु तो जैसे ही बेटा चार्ज आते हैं इनके ऊपर, किसके ऊपर, लिथियम पर प्लस वन आया, मैग्नीशियम पर कितना आएगा, प्लस टू आएगा, तो यहां लिथियम प्लस वन की हल्की सी साइज, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, हल्की सी साइज किसकी बड़ी होती है, लिथियम प्लस वन की हल्की सी साइज बड़ी होती है, तो ये दो का तो कंफ्यूजन निकल गया अपना, लिथियम बड़ा होगा किससे, मैग्नीशियम से। अब यहां पर मैं सोडियम ले लेता हूं, ये एक वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग है, वर्ग ग्रुप है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे साइज इंक्रीज होगी, तो यहां कौन आ जाएगा, यहां। अब इसके बाद मैं लेता हूं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के लिए बात करता हूं, अब एल्युमिनियम बचा है मेरे पास, बेरिलियम बचा है, बेरिलियम प्लस टू, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के लिए बात करूं अगर मैं, इसके लिए एल्युमिनियम, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में मैंने तुम्हें कहा था कि जब जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज डिक्रीज होगी, तो यहां पर क्या ऑर्डर आएगा, ये आएगा, ये बहुत ही कंफ्यूज क्वेश्चन करता है तुम्हें। इन दोनों में बात करें तो अपन देखेंगे इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसकी सॉरी पॉजिटिव चार्ज क्या, इसका नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, नंबर ऑफ शेल ज्यादा होता है, एल्युमिनियम प्लस थ्री हल्का सा बड़ा होता है जिससे बेरिलियम प्लस टू से, तो अपना ऑर्डर आ जाएगा सोडियम लिथियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम प्लस थ्री बेरिलियम प्लस टू, ऐसा ऑप्शन में अपने कहीं है, बिल्कुल सर, सेकेंड ऑप्शन अपना मिल जाएगा अपने को। सर आप इस चीज से मेरे को एक चीज समझ में आ गई, हाँ जी सर, ये हमेशा कंफ्यूज करता है इस ब्लॉक में, बिल्कुल सर। तो फर्स्ट है और सेकेंड है, यहां पर अपन बात कर ले लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, रेडियोएक्टिव एलिमेंट की तो अपन बात ही नहीं करते। फिर आपका आ गया बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम, अगर इनकी एटॉमिक साइज पूछे तो क्यों सर ऐसे कर सकते हैं, बेरिलियम से बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से कैल्शियम, फिर अपना स्ट्रोंशियम बेरियम
और ये क्यों सर? बिल्कुल सर, और अगर आयनिक के पूछे तो लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस बेरिलियम प्लस टू मैग्नीशियम प्लस टू कैल्शियम प्लस टू स्ट्रॉन्शियम प्लस टू और बेरियम प्लस टू। तो यहां पे अगर अपन सिक्वेंस देखना चाहें तो जैसा कि सर ने कहा कि यहां पर थोड़ा उल्टा लफड़ा हो गया है कि बेरिलियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से भी बड़ा हो जाता है लिथियम, ये कहा सर आपने? तो मतलब सिक्वेंस ये आ गया, एम राइट सर? बिल्कुल सर। कहने का मतलब मेरे को ये चीज याद रख लूंगा तो मेरा काम बैठ जाएगा। इसको याद करने का एक तरीका बताऊं आपको, इनको आप थोड़ा सा, हाँ मैं मेरे नाम से बताता हूं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। आपको क्या रखें, मेरा नाम एम एन। सही सर, मेरे को तो तरीके से याद बदल, नाम चेंज करना पड़ेगा। मेरे नाम से आप नाम एम एम बन रहा है और एन बन रहा है मेरा नाम। इस तरीके से आपको इजी वे से याद रह जाएगा। नेक्स्ट करें सर। तो अपना आंसर इसमें सेकंड हो गया। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। The correct value of ionization enthalpy in kilojoule is silicon, phosphorus, chlorine और sulfur respectively। तो इसमें सर वही अपन सेट कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो मैं फिर कह रहा हूं आपको, आपको ग्रुप एंड पीरियड में अरेंज करेंगे, ग्रुप और पीरियड में अरेंज करोगे तो उसमें सबसे बेस्ट चीज ही आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। क्यों सर, अरेंज हो गया? बिल्कुल सर। फिर यहाँ पे देखा जाए सर, ये 15 से और ये 16 से, इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है NP3 और इसका NP4, और हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। क्यों सर? बिल्कुल सर। तो यहां पर अपने को क्या करना है, ये ऑर्डर करना है, बाकी तो L2R चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है हमेशा, लेकिन यहां उल्टा हो गया लफड़ा। यहां पर क्या होगा कि इसकी ज्यादा होगी क्योंकि हाफ फिल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अपना सिक्वेंस आ गया सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा अपने आ जाएगी सल्फर, सल्फर से भी ज्यादा फॉस्फोरस। ये किस वजह से हो गया? हाफ फिल की वजह से, क्लोरीन और फिर क्लोरीन। एक चीज और है, हमेशा ध्यान रखो ये हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन वाला जो फंडा है ना वही अप्लाई होगा जहां एटॉमिक नंबर में 1 का डिफरेंस हो। कभी ये मत देखना ये 15-16 ग्रुप के कारण होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन के कारण होता है। जब आपका सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पहुंच जाएगा उस समय तो ग्रुप तो बदल जाएगा, तो मतलब आपको कॉन्फ़िगरेशन देखना है, जहां पर P3 P4 है ना वही लगेगा। क्यों सर? बिल्कुल सर। तो आप इसको या तो ये याद रख लें सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पर ये चीज कंफ्यूज करती है आपको, यहां गड़बड़ क्या करते हो तुम? जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन और नाइट्रोजन -3 में से आईपी किसकी ज्यादा होगी, जब एक एलिमेंट के लिए आप क्या करते हो वाकई जाते हो इसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हो, ये रॉन्ग है। यहाँ पर जब भी एक एलिमेंट के लिए तो आपसे बात होगी तो हमेशा आपको आंसर जेड इफेक्ट से देना है। यहाँ जेड इफेक्ट किसका ज्यादा है? नाइट्रोजन का ज्यादा है, जेड इफेक्ट ज्यादा तो आईपी भी ज्यादा किसकी होगी? नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। यहाँ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखना है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कहाँ देखना है? जब अलग अलग एलिमेंट्स हो या आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं हो, उस कंडीशन में भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है। ऐसे याद रख लेना सीधा सीधा, सबसे ज्यादा P6, फिर किसका आएगा P5, फिर किसका आएगा P3, फिर किसका आएगा P4, फिर किसका आएगा P2, और फिर कौन आएगा S2, एंड फिर P1, एंड इसके बाद में S1। ये ऑर्डर आप याद रखें, सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। सबसे ज्यादा P6, P5, P3, P4, P2, S2, P1 और S1। सर अगर सर वाली चीज को यूं समझना है तो सर का मेरे को एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर यहाँ पे। मतलब सर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बट इट नॉट कंसीडर फॉर एटम एंड कॉरेस्पोंडिंग आयन। क्यों सर? बिल्कुल। मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी पर आईपी डिपेंड करता है, लेकिन जब कोई एटम हो मतलब परमाणु हो और उसी का कोई संगत आयन हो उस समय आप यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन न देख के वहां पे जेड इफेक्ट देखिए। क्यों सर? ये कह रहे थे। तो ये नहीं, आप अब आपके दिमाग में एक चीज हो रहती है, जैसे मैंने बात की सोडियम प्लस वन एंड नियोन है, अब दिमाग में बैठा रहता है कि जो अक्रिय गैसें होती हैं, इनर्ट गैस होती हैं, उनकी आईपी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है,
पर देखो बेटा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक चीज आती है, आपको आंसर किससे देने है? सारे जेड इफेक्ट्स देने हैं। जेड इफेक्ट काउंट करोगे तो ज्यादा किसका आएगा, सोडियम प्लस वन का आएगा, इसलिए सोडियम प्लस वन की आईपी ज्यादा होगी किससे, नियोन से। यहाँ अपन जेड इफेक्ट काउंट करोगे तो सीधा सा फंडा मैं बता रहा हूँ, उस तरीके से फटाक से कर लेना, जेड इफेक्ट ज्यादा जल्दी से जल्दी काउंट करना है तो जेड बाई ई से काउंट कर देना। जेड यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटोन, ई क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने यहाँ पर किया 10/10 और यहाँ पर किया कितना 11/10, तो जेड इफेक्ट किसका ज्यादा मिल रहा है मेरे को, इसका ज्यादा मिल रहा है तो आईपी भी इसकी ज्यादा आएगी। एक चीज और यहाँ पे सर जो बता रहे हैं ना आपको, वो ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे पता चले किसका जेड इफेक्ट ज्यादा है, ये कोई जेड इफेक्ट का डेटा नहीं है, ये सिर्फ आपको सर जल्दी से कैलकुलेट करें ताकि जेड इफेक्ट आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। क्यों सर? बिल्कुल जल्दी से आंसर निकालने के डाटा निकाल, कैलकुलेट तो आपको उस फॉर्मूले से करना पड़ेगा, जेड इफेक्ट इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा से, परंतु जल्दी से क्वेश्चन करने का तरीके है यहाँ पे, तो अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। तो सबसे छोटा डेटा तो सिलिकॉन के लिए रिप्रेजेंट कर दो, तो सबसे छोटा डेटा तो 780 है सर। बिल्कुल सर। फिर इससे लार्ज डेटा 999 इसको दे दू मैं। बिल्कुल सर। फिर आपका ये इसको दे दू 1256 इसमें, और 1256 इसको दे दू, तो यहाँ पर देने पड़ेंगे सर मेरे को ये डेटा, तब आंसर के पास जाऊंगा। तो इसको तो मैं दे देता हूँ 780, फॉस्फोरस को दे देता हूँ मैं, फिर फॉस्फोरस को दे देता हूँ 1012, फिर अपना कौन दे रखा है क्लोरीन 1256 इसको दे देता हूँ, और इसको 999 दे देता हूँ। ऐसा डेटा मैच कर लेते हैं सर। ये आ गया सर शायद 780 1000, ये आ गया। तो अपना थर्ड आंसर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं इनको कंसीडर करना है, ठीक है देखते हैं भाई। द रेडियस ऑफ एन एनायन इज लार्जर देन पेरेंट एटम, मैंने अभी बताया था कि एटम से एनायन की साइज बड़ा होगा और केटायन का छोटा होगा, रीजन क्या है, एनायन का जेड इफेक्ट कम हो जाएगा। क्यों सर? बिल्कुल सर, जब जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जब जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा जेड इफेक्ट डिक्रीज होगा ही होगा, और जब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा ही होगा। तो पहला स्टेटमेंट अपना, जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्ट डिक्रीज होगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा। तो पहला करेक्ट हो गया सर अपना। The ionization energy generally increase with increasing atomic number. बिल्कुल सर, एक पीरियड में जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। हाँ, कुछ वेरिएशन आते हैं पेनेट्रेशन और हाफ फिल की वजह से। अगले ने दे रखा सामान्यतः, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं सामान्यतः बोला जाए तो यहाँ पे इन्होंने जनरली वर्ड अपना काम में लिया है, नॉर्मली बढ़ती है, सही बात है। तो ये बात भी सही होगी। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन इवेंट इज टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम अट्रैक्ट, ये तो सर गलत स्टेटमेंट है क्योंकि बिना बॉन्ड के तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइडेंटिफाई नहीं होती है। ईएन है क्या, बंधित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करने की पावर को क्या कहते हैं, ईएन कहते हैं। इसीलिए तो इनर्ट गैस में नॉर्मली अपन ईएन की बातें नहीं करते, मतलब ईएन आपको देखनी है बॉन्ड जब होता मॉलिक्यूल्स में देखी जाएगी, कहने का मतलब जब बॉन्ड आ जाएगा उनके बीच, मतलब एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो इस पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव। एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो तो वहां पर पार्शियली चार्ज होता है, अगर आप कंप्लीट चार्ज दे दोगे तो वो तो आयनिक बॉन्ड हो गया। क्यों सर? बिल्कुल सर। तो अपना ये स्टेटमेंट सर इनकरेक्ट हो गया क्योंकि आइसोलेटेड बोल रहा है। करेक्ट पूछा तो वन एंड सेकंड आंसर आ गया थर्ड। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज असत्य कथन है। इसमें देखें द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेलेनियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आर्सेनिक। सेलेनियम की द्वितीयक आयनन ऊर्जा आर्सेनिक की द्वितीयक आयनन ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, उनको हमेशा ग्रुप और पीरियड में अरेंज किया करो। इनको अपन अरेंज करेंगे तो यहाँ पर ने देखा कि यहाँ पर कौन आ गया, सेलेनियम आ गया, और यहाँ पर कौन आ गया अपने पास, आर्सेनिक आ गया। अब इससे करने से पहले अपने को ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिख दिया करो, ये कौन है 15 ग्रुप है, 15 ग्रुप के आउटर मोस्ट में क्या लिखते हो बेटा P3, इसमें क्या लिखते हो P4, और उसने बात किसकी की है बेटा, द्वितीयक आयनन ऊर्जा की बात की, किसी की है, द्वितीयक आयनन ऊर्जा का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल चुका है, तो फिर ये क्या बन चुका है बेटा जी, ये P2 बन चुका है, और ये क्या बन चुका है, ये P3 बन चुका है, क्या बन चुका है P3। अभी अपन एक लाइन लिखी थी यहाँ पर कि P3 की आयनन एनर्जी ज्यादा होती किससे, P2 से, तो अपने को पता लगे किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, P3 की, P3 कौन है, सेलेनियम, तो सेलेनियम की आईपी ज्यादा होगी किससे। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है सर। सर नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हैलोजन तत्वों के आयनन ऊर्जा के मान सापेक्षिक आवर्त में अधिकतम होते हैं। बेटा आयनन ऊर्जा के लिए बात करें तो मैं आपको पहले यहाँ पर मैंने लिखा था कुछ देर पहले, एक आवर्त में मैक्सिमम आईपी किसकी होती है, इनर्ट गैस की होती है, और मिनिमम आईपी किसकी होती है सर, क्षार धातु की, एल्कली मेटल्स की होती है। जबकि ये कह रहा है अधिकतम किसकी हो रही है, हैलोजन की हो रही है, तो ये स्टेटमेंट कैसा आ गया अपना, रॉन्ग स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, आगे भी आप देख सकते हो
क्लोरीन की तृतीयक आयनीय ऊर्जा का मान ऑक्सीजन की तृतीयक आयनीय ऊर्जा के मान से अधिक है। अच्छे क्वेश्चन बन रहा है, देखिए फ्लोरीन मैंने फिर कहा आपको अरेंज कर लो, ये ऑक्सीजन है अपने पास, क्लोरीन के लिए क्या लिखते हो बेटा P5 और यहाँ क्या लिखते हो बेटा P4। बात कर रहा है तृतीयक आयनीय ऊर्जा, तृतीयक आयनीय ऊर्जा मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं और कौन सा निकालना है अपने को, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा P3। अच्छा दो सात निकाल दिया, दो सात निकाल दिया, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा P2 बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना सर ने IE1 और IE2 ये दो चीजें एक साथ कर दी है भाई, दोनों एक साथ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इसके लिए बात करें आप ये P3 बन चुका है, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये P3 बन चुका है, ये P2, तो IP किसकी ज्यादा होगी, P3 की ज्यादा होगी, P3 कौन है फ्लोरीन है, तो ये क्या कह रहा है फ्लोरीन की तृतीयक आयनीय ऊर्जा का मान ऑक्सीजन की तृतीयक आयनीय ऊर्जा से अधिक होता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बात करें कार्बन प्लस टू आयन की प्रथम आयनीय ऊर्जा नाइट्रोजन प्लस टू आयन की प्रथम आयनीय ऊर्जा से अधिक है, ये भी वैसे ही है, ये काफी अच्छा स्टेटमेंट लगा सर, कार्बन प्लस टू नाइट्रोजन प्लस टू, नाइट्रोजन प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन निकल के ये किसे बदल चुका है बेटा जी P1 में, और ये किसे बदल चुका है S2 में, अपन ने बताया था S2 की IP ज्यादा होती है किससे P1 से, मैं तो आपको बोल रहा हूँ वही लाइन याद रखो आप, क्या दोबारा लिख रहा हूं P6 P5 P3 P4 P2 S2 P1 एंड S1, इस लाइन से आपकी सारी बात हो जाएगी, यहां पर कौन है ये S2 है और ये P1 है, ज्यादा किसकी होगी कार्बन प्लस टू की होगी, तो देखिए कार्बन प्लस टू की प्रथम आयनीय ऊर्जा नाइट्रोजन प्लस टू की आयनीय ऊर्जा से अधिक है, बिल्कुल सही बात है, तो ये देखो स्टेटमेंट भी सही, यहाँ पे C2 प्लस आयन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछी, आप कहीं कार्बन का कॉन्फिगरेशन लेके शुरू मत हो देना, C2 का कॉन्फिगरेशन लेना है जैसे कि सर ने C2 का लिया है, यहाँ पे आप देखो कि सर ने H2 क्यों कर दिया, सर ने कार्बन का नहीं, यहाँ कार्बन प्लस टू का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लेना अपने को, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया सर, तो अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था तो सेकंड आंसर हो जाएगा सर, काफी अच्छा क्वेश्चन था सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का इनकरेक्ट ऑर्डर देखना है तो आपको यहां पे दे दिया, तो अपने तो यह ध्यान रखो 13-14 ग्रुप की अगर अपन बात करें तो फिफ्थ पीरियड की और सिक्स पीरियड में से मिनिमम एनर्जी हमेशा फिफ्थ वाले की होगी, क्यों सर? बिल्कुल सर, तो यहाँ पे देखा जाए तो टिन की कम है लेड से, ये बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा क्यों ज्यादा लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण, किसका लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, मतलब कि 13-14 ग्रुप में ये याद रखना है कि पूरे ग्रुप में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी फिफ्थ की वाले की अपने को मिलेगी, तो ये अपना करेक्ट हो गया सर, बिल्कुल भी ज्यादा। यहाँ पे देखो सोडियम प्लस दिया है और मैग्नीशियम प्लस दिया है तो मैं सर वाला फंडा लगा लेता हूं, लेकिन यहाँ पे एक सेल ही लॉस हो गया सर, सेल भी लॉस हो गया, ये इनर्ट गैस बन चुका है, इनर्ट गैस बन चुका है, सेल लॉस हो गया पूरा, तो यहाँ पर बिल्कुल सोडियम की ही ज्यादा होगी, क्लियर, नियॉन बन चुका है ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए लिथियम प्लस और इसने भी आपका सेल लॉस कर दिया, ये भी इनर्ट गैस बना है, तो ये इनर्ट गैस बना है, कौन सा इनर्ट गैस नहीं बन रहा, ये तो अपना बन गया और प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये बन गया नाइट्रोजन, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ये बन चुका है इनर्ट गैस, हीलियम, इनर्ट गैस, तो ये वाला सर तो फिर इनकरेक्ट हो गया, ये होगा इसमें ऑर्डर आएगा लिथियम प्लस वन का ज्यादा होगा इससे, क्यों सर, तो अपना आंसर इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट, इसको ऑर्डर देख लेते हैं सर, तो जैसे कि सर ने कहा मैं सर वाला फंडा यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी अभी सीखा है इसको, तो देखता हूँ कि मैं कर पाता हूँ क्या, सी प्लस का पूछा है तो सी प्लस का कॉन्फिगरेशन हो गया H2, क्यों सर, P1 सी प्लस, अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल 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 सर, तो इसका हो गया P1, और बेरिलियम प्लस अब लिथियम बन चुका है तो इसका हो गया S1, तो इसमें तो सर P1 की ज्यादा होगी, वो अपने लाइन लिखी थी उसमें अपन ने देखा था कि P1 की ज्यादा होती है किससे S1 से, मतलब मैं सर वाला बंडा सीख चुका हूं तो आप भी सीख गए होंगे, तो अपना आंसर क्यों सर फट जाएगा, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट आर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, इसके लिए एक चीज हमेशा याद रखो, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की अगर मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है उनकी बेसिक स्ट्रेंथ पूछे, बेसिक स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करें तो हमेशा इसमें ध्यान रखो ये IE के इनवर्सली होगा, क्यों सर, इससे रखो या फिर आप बेटा किसी दोनों में से एक चीज को याद रखें, या तो एसिडिक को रखें या फिर बेसिक को रखें, मैं बोल रहा हूं आप एसिडिक को रखें क्योंकि एसिडिक कैसे इजी वे से याद हो जाती है, आप एसिडिक के लिए क्या करोगे सीधा सीधा फंडा रखो ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड के लिए बात कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एसिडिक नेचर क्या होती है इंक्रीज होती है, एसिडिक इंक्रीज होगी तो बेसिक क्या होगी डिक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम जाओगे
टॉप टू बॉटम के लिए बात करें तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होती है, एसिडिक नेचर डिक्रीज होगी तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगी। तो आपके पास ये अच्छी चीज है, आपके पास यहां पे एक लॉजिक है और ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन करने की ट्रिक है, अपन दोनों अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर ट्रिक अप्लाई होगी तो अपन हमेशा इसी के साथ जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के लिए मैंने बात की, बिल्कुल सर, इसके लिए ऑक्साइड है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सर, ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के लिए अपन ने लिख दिया। तो देखो यहाँ पे अपन बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम इधर जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, सही ऑर्डर है। और जैसा कि सर ने कहा डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, बेसिक बढ़ रही है, मतलब ये ट्रिक काम कर रही है भाई। नेक्स्ट आगे चले अपने बेरिलियम, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया सर, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, तो बिल्कुल यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी तो फेल हो गई, लेकिन सर वाला फंडा यहां काम आएगा क्योंकि नॉन मेटल आ गई यहां पे, लेकिन हाइड्रोक्साइड है तो सर वाला फंडा लगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इधर बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। कहने का मतलब ये फंडा सिर्फ मेटल के लिए होगा और ये आपका हर जगह काम करेगा, हर जगह, ठीक है, मेटल लो कुछ भी लो। तो अपना आंसर हो गया यहाँ पे, इसमें देख लेते हैं, ये भी अपोजिट हो गया तो ये भी गया, तो एसी अपना आंसर हो जाएगा सर थर्ड, बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ मेटल का हो तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ना इसको, क्योंकि सर ने आपको वो ट्रिक दी है जिसे आप हर जगह कर सकते हो, लेकिन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के लिए भी अपन यहाँ बात कर ले, हाइड्रोक्साइड के लिए चाहे टॉप टू बॉटम जाओ चाहे लेफ्ट टू राइट जाओ, दोनों तरफ ही एसिडिक नेचर आपकी इंक्रीज होगी। जैसे मैं बात करूं आपको HF HF HCl HBr एंड HI, आप कोई सा भी इनमें ले लो, H2O H2S H2SE H2T, आप यहां पर ले लो NS3 PS3 ASS3 SBS3, इनमें अगर बात करोगे तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो भी एसिडिक नेचर बढ़ेगी और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो भी एसिडिक नेचर बढ़ती है। तो ये इनके लिए इसका मतलब है नॉन मेटलिक हाइड्राइड जो है, सर वाला जो ट्रिक है वो क्यों है सही देख लो अपने, नॉन मेटलिक हाइड्राइड जो होते हैं ना उनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो अलोंग टू पीरियड तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है और डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो दोनों चीजें याद रखने से अच्छा है याद रख लो ना कि इधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है, मतलब टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट हमेशा बढ़ेगा, जबकि ऑक्सी एसिड के लिए लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर बढ़। एक चीज याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, या तो एसिडिक नेचर याद रखो या बेसिक रखो, मैं तो आपको बोलूंगा कि आप क्या रखो, एसिडिक नेचर याद रखो, एसिडिक नेचर याद रखना इजी दे देगा आपके लिए। तो ये तो आपका लॉजिक हो गया, ये वो ट्रिक होगी कि बिना पेन चले आपका काम बैठ जाएगा, क्यों सर? बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द गिवन ग्राफ ए पीरियडिक प्रॉपर्टी आर इज प्लॉटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर, मतलब ये तो है आपकी पीरियडिक प्रॉपर्टी और ये एटॉमिक नंबर है, ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इतना समझ पा रहा हूं इसको देख के कि जेड बढ़ रहा है उसके साथ प्रॉपर्टी जो भी है वो डिक्रीज हो रही है भाई, क्यों सर? बिल्कुल सर। तो इसमें यही देखना है एलिमेंट विच प्रॉपर्टी इज शो इन द, तो आपको बताना कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है और रिएक्टिविटी के साथ इसका क्या संबंध है, ठीक है आ जाओ। तो देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ए ग्राफ रिएक्टिविटी, ये बिल्कुल आयनाइजेशन एनर्जी को बताता है क्योंकि डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे, ग्रुप की बात कर रहे हैं ये देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रुप की, तो डाउन द ग्रुप पे एटॉमिक नंबर बढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई, तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे कम हो रही है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी और रिएक्टिविटी एक दूसरे की अपोजिट होती है, मेटल्स की जब आयनाइजेशन एनर्जी आपकी कम होती है तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी है, बिल्कुल सही बात है, और रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज नहीं इंक्रीज होती है, ये गया। आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ए ग्राफ, बिल्कुल ये आयनाइजेशन एंथैल्पी को बता रहा है क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, रिएक्टिविटी इंक्रीज, बिल्कुल ये बात सही है, रिएक्टिविटी बढ़ रही है, दूसरा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को पढ़ना बड़ी महामर्द है, इसमें ऐसे लग रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ने ग्राफ रिएक्टिविटी इंक्रीज की, आयनाइजेशन और रिएक्टिविटी दोनों बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, आप क्वेश्चन सही पढ़ोगे तो आंसर आएगा। ये कह रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका ये ग्राफ है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का है, देखो जेड बढ़ रहा है तो कम हो रही है और रिएक्टिविटी इसके साथ बढ़ रही है, क्यों सर? ऐसे क्वेश्चन में पढ़ने में ध्यान रखना है, तो अपना सेकंड आंसर रहेगा, बिल्कुल सर। इसके लिए सर कोई और आयनाइजेशन एनर्जी का कोई नहीं, वही आपने बताया वो चीज, ठीक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते, हाँ सर देखना है क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आईपी के लिए बात कर रहा है, तरीका वही अपनाना है जो मैं तुम्हें बता चुका हूं पहले,
कि कौन है ये, ये नियोन, अरेंज करो पहले, नियोन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। सेकंड आईपी की बात कर रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। मैं लगाऊं सर आपका पट्टा? बिल्कुल बिल्कुल लगाओ सर, क्योंकि मैंने अभी अभी सीखा है तो सीख लेता हूं पूरा, है ना। मैं सर एक साथ दो आयनाइजेशन एनर्जी निकाल देते हैं, क्योंकि सर को इस चीज का अनुभव, मैं एक एक निकाल लेता हूँ। सेकंड के लिए बात कर रहे थे, एक ही निकालना है, सेकंड की पूछ रहा है। तो इसका तो अपना पहले तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, P6 हो गया, और फर्स्ट निकालते ये P5 हो गया, क्यों सर? यस सर, ये अपना क्या हो गया P5, एक निकालते ये बन चुका है P4, बन चुका है। ये आपका है P4, एक निकालते ही बन चुका है P3, और ये अपना P3 था, एक निकालते ही ये बन चुका है P2। अब आगे जा रहा है, तो जैसे कि सर ने कहा था सबसे ज्यादा P5, मैं बिल्कुल सर की बात के साथ जा रहा हूं, फिर सर ने कहा था मेरे को P3, फिर सर ने कहा कि P4 और फिर P2, मैं सही हूं सर? बिल्कुल सही बात। तो इस हिसाब से मैं अगर अरेंज करना चाहूं तो सबसे ज्यादा तो आ गई नियोन की, क्यों सर? उसके बाद में मेरे पास P3 किसका है, ऑक्सीजन आ गया सर मेरे पास। फिर अपन P4 की बात करें तो फ्लोरीन आ गया, और फिर बात करूं तो नाइट्रोजन आ गया। तो अपना नियोन ऑक्सीजन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया अपना, नियोन ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन, तो ये अपना करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। लेकिन ज्यादा करेक्ट है सर, इसमें और भी है, और ऑप्शन देखें, ये एक तो सी करेक्ट हो गया, इसको देख लो क्योंकि अपन ने इसको सेट किया है। फिर और अलग एलिमेंट के साथ हो रहा है सर, एक ये ग्रुप हो रहा है, इसको और देख लेते हैं। बिल्कुल, तो एक दे रखा है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन। तो इसको जैसे कि सर ने कहा कि आप सेट करो, तो मैं कर लेता हूं, कार्बन हो गया, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, राइट सर? तो ये तो अपना हो गया P5, ये हो गया P4, ये हो गया P3, और ये हो गया P2। सेकंड पूछा है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये बन गया P4, ये बन गया P3, ये बन चुका है P2, और ये बन गया P1। तो सबसे ज्यादा तो अपने किसकी होगी, ऑक्सीजन की आ जाएगी, P3 की, P3 ऑक्सीजन हो गया ना। तो वैसे लिख लेते हैं पूरा सेट, तो ऑक्सीजन हो गया, फिर इसके बाद में P4 आ जाएगी, तो फ्लोरीन हो गया, फिर नाइट्रोजन हो गया, फिर कार्बन हो गया। तो ये ऐसा ऑप्शन अपना, कार्बन की सबसे कम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्यों सर? बिल्कुल सही, ये हो गया बी। तो बी सी किसमें है, ये रहा थर्ड आंसर आ जाएगा। तो मतलब कि जो सर ने थोड़ी देर पहले ट्रिक बताई थी वो मैं सीख चुका हूँ। बिल्कुल सर, बहुत इजी ट्रिक है सर, इसमें आपको ज्यादा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आप, बच्चे प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको कॉपी में पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा दिमाग में कैलकुलेशन करना है और फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे मैंने अभी अभी सीखा है, अभी अभी इसको कर लिया है अभी, नहीं तो मैं इनका कॉन्फिगरेशन लिखता रहता और सेट करता रहता, समझ गए होंगे बात को। तो अपन 30 क्वेश्चन यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पार्ट फर्स्ट में अपन डिस्कस कर चुके हैं, अपन ने ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड जो थ्योरी थी अपन ने लपेटने की कोशिश की है। अब बच गई अपने पास सर एक तो ई है, एक इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है, दो डेंसिटी है, डेंसिटी भी स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन जहां से आते हैं वहां से बात करेंगे अपन। तो ये आज के लिए है, इसके अंदर आपको बस पहले चैप्टर को स्टडी करना है, उसके बाद में इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि थ्योरी याद होना जरूरी है, क्यों सर? बिल्कुल। ओके, इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।